हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान से सुन लेना सब। जिसको नहीं पता है तो आप सबको वैसे तो पता ही होगा, लगभग लगभग सबको ही पता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियाँ हैं सबकी अपनी अपनी, तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको एक बंदे को भी नहीं पता है आप में से, तो वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो आप सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस काफ़ी फैल चुका है और काफ़ी केसेस मिल चुके हैं। और जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई संडे को सबको अपने अपने घरों में रहना है, ठीक है? तो यानी कि जनता कर्फ्यू लगने वाला है संडे को। तो इसमें कुछ बंदे इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, बट हमें क्या मतलब है उनसे। तो जो मेरा फर्ज बनता है अपने देश के प्रति, कि कुछ जैसे यूट्यूबर्स के ग्रुप होते हैं, सब ने बोला था कि भाई जितने भी यूट्यूबर हैं जिनका अपना अपना एक चैनल है, तो अपने अपने चैनल पे इसके बारे में एक एक वीडियो करके डालो, ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ठीक है? तो इसलिए बस ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जितना मेरे को इसके बारे में पता है, जितना सुना है मैंने और एक दूसरे से जितना पता चला है मेरे को, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में और संडे को हमें घरों में क्यों रहना है, अगर इसके बारे में पता है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, और अगर पता है तो दो लोगों के और बताओ जाके जिनको नहीं पता है, ठीक है? तो अपनी जिम्मेवारी थोड़ी सी निभाओ इसके बारे में, ठीक है? तो गाइस देखो, जो संडे को घर पे रहने का सीन है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है वो लगभग 4 से 8 घंटे तक जिंदा रहता है, ठीक है? तो जैसे हम संडे को घर पे रहेंगे तो उसमें ये होगा कि पूरा दिन संडे का हो गया और पूरी रात हो गई, ठीक है? यानी कि लगभग लगभग 24 घंटे हो जाते हैं। तो जितने भी लोग घर पे रहेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है? और अपने हाथ हूथ धोते रहना टाइम पे, ठीक है? तो वो बिल्कुल सेफ चले जाएंगे, मतलब, ठीक है? और उधर कोरोना वायरस तड़प तड़प के खुद ब खुद मर जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? यानी कि देखो भाई, मुझे तो नेट से ही मिली है जानकारियाँ, बंदे बोल रहे हैं कि भाई 4 घंटे से 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो इसमें ये क्या होगा कि उनको संक्रमण फैलाने का मतलब मौका ही नहीं मिलेगा, लोग ही नहीं मिलेंगे। तो अगर वो उनको नए नए लोग नहीं मिलेंगे संक्रमण फैलाने के लिए, तो मतलब खुद बे खुद मर जाएंगे वो। तो इससे ये होगा कि संक्रमण कोरोना वायरस का काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा अगर हम संडे को ऐसा करते हैं तो। लेकिन मुझे पता है बहुत से लोग इसमें भी मतलब ये मानेंगे कि नहीं, हम तो निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर खुजली रहती है सबको, ठीक है? सबको होती है खुजली, मुझे पता है। तो बस यही बताना था सबको, अगर फिर भी आपको निकलना है वो आपकी मर्जी है भाई। देखो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, बस ये छोटी सी जानकारी देनी थी आप लोगों को। और हाँ, जिसको भी पता है इसके बारे में वो दो लोगों को और बताओ जाके, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है गाइस? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी, अगर नहीं लगी तो भाई इसमें देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी थी वो मैंने निभा दी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।